प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े कि जो मणिपुर की पीड़ा है वो देश की पीड़ा। जब तक बीरेन सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मणिपुर में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं। सर्वदलीय बैठक जो है बेहतर होता कि ये इम्फाल में होता। सारे मिलिटेंट ग्रुप के पास जो हथियार है वो उनसे छीनना चाहिए। मुख्यमंत्री का इस्तीफा फौरन प्रधानमंत्री लें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार 52 दिन हुए हैं 3 मई से हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोले। तो हमारा पहला बिंदु जो है, जो इबोबी सिंह जी ने भी आज उठाया, जैसा कि उन्होंने आपको कहा है, कि पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। गृहमंत्री वहां जा चुके हैं, आरएसएस ने भी एक लंबा एक बयान दिया है, पर हमारे प्रधानमंत्री जो दुनिया भर की बातें करते हैं, सभी विषयों पर अपने आप को विश्वगुरु मानते हैं, मणिपुर के बारे में 52 दिन में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है। तो हमारी पहली मांग है कि प्रधानमंत्री कृपया अपनी चुप्पी तोड़िए। दूसरी बात यह है कि ये सर्वदलीय बैठक जो है बेहतर होता कि ये इम्फाल में होता। एक मैसेज जाता, एक संदेशा जाता, एक संकेत देता कि जो मणिपुर की पीड़ा है वो देश की पीड़ा है। मणिपुर की जो दर्द है वो देश की दर्द है। पर यह बैठक दिल्ली में हुई, पर यह बेहतर होता कि ये बैठक इम्फाल में होता। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी राष्ट्रीय दलों की बैठक इम्फाल में भी आयोजन किया जाएगा। तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अलग अलग ग्रुप है वहां, मिलिटेंट ग्रुप, उनके पास हथियार हैं। कहां से हथियार आया है, लूटे हैं हथियार, उनको हथियार दिया भी जा रहा है कहां कहीं से। तो हमारी तीसरी मांग है कि ये सारे मिलिटेंट ग्रुप बिना कोई भेदभाव के, सारे मिलिटेंट ग्रुप के पास जो हथियार है वो उनसे छीनना चाहिए। सारे के सारे आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप के पास जो हथियार है उनसे लेना चाहिए, डिसार्म करना चाहिए और ये तत्काल होना चाहिए। चौथा मांग हमारा है, सीधा मांग है, जब तक ये मुख्यमंत्री बीरेन सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मणिपुर में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। मणिपुर में कोई शांति, कोई सद्भावना का जो रास्ता है, जो कदम हमें लेने हैं, इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हो सकता। तो चौथा मांग है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा फौरन प्रधानमंत्री लें। हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकारा है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस स्थिति को संभाल नहीं पाया, इंसा बड़ा है, गंभीर स्थिति है और मैं कुछ नहीं कर पाया, और उन्होंने जनता से माफी मांगी। ऐसे हालात में बीरेन सिंह जी का मुख्यमंत्री रहना नामुमकिन है। उन्होंने माफी मांगी है मणिपुर के लोगों से, और 11 मार्च 2023 को, 11 मार्च 2023 को जो कई सालों से, 15 सालों से मेरे ख्याल में, 14-15 सालों से सू, जिसका नाम है सू,
सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मिलिटेंट ग्रुप तीनों के बीच में एक समझौता है, उसको SOO कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। कुछ शर्त है उस पर, उस शर्त मानने के बाद ही यह समझौता पर तीनों पक्ष, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वो मिलिटेंट ग्रुप, उस पर हस्ताक्षर करते हैं। 11 मार्च 2023 को मनमानी मुख्यमंत्री ने इस समझौते को पालन करने से इन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस समझौते को स्वीकारते नहीं, पहचानते नहीं। हालांकि यह समझौता केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है और यह मिलिटेंट ग्रुप का है, पर उन्होंने अपने आप कह दिया कि यह समझौता लागू नहीं होगा। हालांकि अमित शाह जी के मंत्रालय ने उसका खंडन किया, उन्होंने बयान भी दिया कि ये हमारे लिए ये अस्वीकार, हम इसको स्वीकारते नहीं है, पर मुख्यमंत्री ने अपने आप मनमर्जी कह दिया कि ये समझौता हम पहचानते नहीं है, हम स्वीकारते नहीं है। अरे, जहां हस्ताक्षर केंद्र सरकार का है, वो मिलिटेंट ग्रुप तो छोड़िए, केंद्र सरकार का हस्ताक्षर है और गृह मंत्रालय कहता है, वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि राज्य सरकार ने गलत किया। यह 11 मार्च 2023 को इन्होंने हुआ, पर डैमेज तो हो गया था। तो इन हालात में, इस संदर्भ में, इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री का रहना मणिपुर की जनता के हित में नहीं है। कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, अमन शांति सद्भावना लौट नहीं आएगी। तो कांग्रेस पार्टी की चौथी हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री को तुरंत बदलना चाहिए। पांचवा, ये बार बार कह रहे हैं, मणिपुर में नक्शा नहीं बदल सकता, बदलना नहीं चाहिए, इस पर हम समझौता नहीं करेंगे। मणिपुर की सीमाएं पवित्र हैं, मणिपुर की एकता पवित्र है, यह सर्वोपरि है। नक्शा बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो कुछ कार्रवाई होनी है संविधान के तहत, संविधान के प्रावधानों के आधार पर होना चाहिए। छठा मांग यह है कि मणिपुर हमारी देश की एकता को दर्शाता है, अनेकता को दर्शाता है और एकता को भी दर्शाता है, अनेकता में एकता। पर अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय के अलग अलग शिकायतें हैं, अलग अलग मांग है, इनको सुनना चाहिए, संवेदनशील तरीके से सुनना चाहिए। जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और इबोबी सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सभी को सुनिए, सबकी अपनी मांग है, सबको सुनिए, सबको बिठाइए और एक आम सहमति बनाइए। सर्वसम्मति नहीं बन सकती अनेकता में, पर एक आम सहमति बन सकती है। तो आम सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, इसके प्रयास होने चाहिए और इसका एक रोड मैप तय करना चाहिए। मेतेई हो, नागा हो, कुकी हो, ऐसे तो मणिपुर में 35 ऐसे समुदाय हैं, तो सबको सुनकर एक आम सहमति बनने की जरूरत है, एक संवेदनशील तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कर है
लीजिए या भागिए, ये नहीं होना चाहिए। सब समय लगेगा, पर यही एक रास्ता है। सातवां पॉइंट जो है, आज मणिपुर में दो मुख्य राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवे तो हैं पर दो मेन नेशनल हाईवे हैं, और ये मुश्किल से कुछ मिनटों तक खुले रहते हैं। दोनों हाईवे ब्लॉकेड हो चुके हैं, दोनों हाईवे में लोगों का आना जाना और जो रोजाना के इस्तेमाल के लिए जो जरूरत पड़ती है लोगों को, एसेंशियल कमोडिटीज की जो अनिवार्य वस्तु है लोगों के लिए, परिवारों के लिए, आज वो मुश्किल, सभी परिवार मुश्किल में है क्योंकि ये हाईवे को ब्लॉकेट किया गया है। कौन ब्लॉकेट किया गया है वो अलग बात है, किसने किया है वो अलग बात है, पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, ये राज्य की सड़कें नहीं है, ये राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, तो कुछ ना कुछ केंद्र सरकार से कार्रवाई होनी चाहिए कि ये दो नेशनल हाईवे हैं, इसको हमेशा 24 घंटे ये ओपन रहना चाहिए, इसमें लोगों को आना जाना, अनिवार्य पदार्थों का आना लेना देना, ट्रकों का आना जाना, ये संभव हो सके। और आखिर में आठवां पॉइंट ये है, 50,000 लोग आज कैंप में रह रहे हैं, 50,000 लोग, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कुछ मुआवजे का बंदोबस्त किया गया है, पर कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो कुछ अभी तक मुआवजा की घोषणा हुई है वो अपर्याप्त है, और सही ढंग से अनुमान लगाना चाहिए, और जो कॉम्पेंसेशन पैकेज है रिलीफ के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए, पुनर्स्थापन के लिए, रिसेटलमेंट के लिए, उसकी भी घोषणा होने की जरूरत है। तो साथियों, हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर हमारे तीन बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मणिपुर के वरिष्ठ नेता, उत्तर पूर्वी राज्यों के वरिष्ठ नेता, भारत के वरिष्ठ नेता, अगर उनको 15 मिनट का समय मिलता तो ये सब पॉइंट वो गृहमंत्री के सामने रखते। उनको मुश्किल से 7-8 मिनट मिला है, पर ये हमारी मांगे थी।